मैं हमेशा से आपके सामर्थ्य को, भारतीय डायस्पोरा के सामर्थ्य को समझता रहा हूं। जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समझता था और आज भी समझता हूं। आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया है। आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका कमिटमेंट, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप सात समंदर पार भले आए गए हैं लेकिन कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो दिल की गहराइयों में बसे हिंदुस्तान को आपसे दूर कर सके। माँ भारती ने जो हमें सिखाया है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। हम जहां भी जाते हैं सबको परिवार मानकर उनसे घुल मिल जाते हैं। डायवर्सिटी को समझना, डायवर्सिटी को जीना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है, हमारी रगों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। यहां इस हॉल में ही देखिए, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, तो कोई कन्नड़ा, कोई पंजाबी, तो कोई मराठी और तो कोई गुजराती। भाषा अनेक है लेकिन भाव एक है और वो भाव है भारत माता की,
वो भाव है भारतीयता। दुनिया के साथ जुड़ने के लिए ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी ताकत है। यही वैल्यूज हमें सहज रूप से ही विश्व बंधु बनाती है। हमारे यहां कहा जाता है, तेन तक्तेन भुंजी था, यानी जो त्याग करते हैं वे ही भोग पाते हैं। हम दूसरों का भला करके, त्याग करके सुख पाते हैं, और हम किसी भी देश में रहे ये भावना नहीं बदलती है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां ज्यादा से ज्यादा योगदान करते हैं। यहां अमेरिका में आपने डॉक्टर्स के रूप में, रिसर्चर्स के रूप में, टेक प्रोफेशनल्स के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में या दूसरे प्रोफेशंस में जो परचम लहराया हुआ है वो इसी का प्रतीक है। अभी कुछ समय पहले ही तो यहां T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। यूएसए की टीम क्या गजब खेली, और उस टीम में यहां रह रहे भारतीयों का जो योगदान था वो भी दुनिया ने देखा है। साथियों, दुनिया के लिए AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन, इंडियन। अमेरिका, इंडिया, ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का AI पावर है। यही AI स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। मैं आप सभी को, इंडियन डायस्पोरा को सैल्यूट करता हूं।